दोस्तों नमस्कार, एचएससी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मंथली ईएचएस ट्रैकर प्लान, मतलब इन्वायरमेंट हेल्थ एंड सेफ्टी के कौन से डॉक्यूमेंट है, वो कब कब सबमिट होना है, या कौन सा डॉक्यूमेंट का जो डेट है, किसका वीकली है, किसका मंथली है, किसका फोर्टनाइटली है, किसका ईयरली है, इस तरह का ट्रैकर के बारे में आज हम देखेंगे कि कौन से डॉक्यूमेंट को कब हमें ट्रैक करना है। बाकी आप अपने हिसाब से भी इस तरह का ट्रैकर बना सकते हैं, सेट कर सकते हैं, ताकि आपका जो भी एक भी लीगल कंप्लायंस है या डेली रूटीन के एक्टिविटी है या सेफ्टी के कुछ भी फॉर्मेट है, डेली चेकलिस्ट है, वीकली मंथली फोर्टनाइटली, वो आपके ट्रैकर से बाहर न जाए। कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट होने के कारण हमें एक या दो डॉक्यूमेंट मिस कर जाते हैं, तो याद नहीं रहता कि कौन सा डॉक्यूमेंट कब सबमिट करना है, किसको देना है। तो उसके लिए आप एक ट्रैकर रेडी कर सकते हैं, ईएचएस ट्रैकर, जो कि आपको आसानी से मालूम होगा कि ये जो डॉक्यूमेंट है ये तीन सपोज दैट 3 तारीख में, 3 तारीख के हर महीने चेक होगी। और चेक कौन करेगा, यदि मान लो प्रभाकर करेगा तो प्रभाकर चेक करेगा उसे, उसको इंश्योर करेगा। क्रॉस चेक कौन करेगा, यदि मान लो मोहन है तो मोहन चेक करेगा। तो इस तरह से एक आप ट्रैकर बनाइए ताकि कोई भी डॉक्यूमेंट जो है कि मिस ना हो। हर डॉक्यूमेंट को अप टू डेट रखना वो एज ए ईएचएस प्रोफेशनल हमारी जिम्मेदारी है। तो हमारी जिम्मेदारी कब परिपूर्ण होगी, यदि हमारे पास कुछ ईएचएस के रिगार्डिंग ट्रैकर होगा देन हम कंप्लाई कर सकते हैं उसे। अदरवाइज क्या होएगा कि हम बहुत सारे डॉक्यूमेंट छूट जाता है, हम मेंटेन नहीं कर पाते और एक एक दिन छूटता जाता है। तो क्या होता है कि चल छूट गया, जाने दे, दूसरा बाद 2 दिन बाद देंगे, 3 दिन बाद देंगे, और रिजल्ट क्या होता है, वो डॉक्यूमेंट का रिकॉर्ड है पीछे बहुत छूट जाता है। और उसको क्या है कि दोबारा उसे फिल करते हैं, फर्जी डॉक्यूमेंट बनाते हैं, फिल करते हैं, तो वो अच्छा नहीं रहता। यदि यदि हम एज ए ईएचएस प्रोफेशनल सारे डॉक्यूमेंट को हमें अप टू डेट रखना है। अप टू डेट रखने के लिए मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि आप कैसे अपने डॉक्यूमेंट को अप टू डेट रख सकते हैं ताकि एक भी डॉक्यूमेंट मिस ना हो। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि क्या क्या कैसे ईएचएस ट्रैकर बनाएं ताकि हम अपने डॉक्यूमेंट को अप टू डेट रख सकें। जैसे कि आपके सामने ये स्क्रीन दिख रहा होगा, मंथली ईएचएस ट्रैकर प्लान। आप यहाँ पे अपने कंपनी का लोगो लगाइए, कंपनी का नाम लिखिए और सब्जेक्ट डालिए मंथली एचएस ट्रैकर ट्रैकर प्लान फॉर द मंथ ऑफ, एवं मंथ डालिए कौन से महीने का आप चाहिए आपको। देन आप कैटेगराइज कीजिए काम को, डेली कौन है, वीकली कौन है, मंथली कौन है, फोर्टनाइटली कौन सी रिपोर्ट है, ईयरली कौन है, हाफ ईयरली कौन सी है, क्वार्टरली कौन सी है। इस तरह से पहले तो आप कैटेगराइज करें, जिससे मैंने देखिए इस वीडियो में मैंने कैटेगराइज कर रखा है। ये क्या है, ये डेली चेक शीट है। मान लीजिए डेली चेक शीट क्या है, लिफ्टिंग इक्विपमेंट रिपोर्ट है। लिफ्टिंग इक्विपमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, मान लीजिए मेरा नाम दिया गया यहाँ पे, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इंश्योर कौन करेगा, मान गोविंद नाम का आदमी है वो इंश्योर करेगा। कब कब करेगा, डे में, कौन सा डे करेगा, ये एवरीडे का प्रैक्टिस है। जो लिफ्टिंग टूल्स टैकल्स है वो हम डेली यूज करते हैं, तो वो इंश्योर डेली चेक होगा, डेली इंश्योर करेंगे। ठीक, कंक्रीट कटिंग रिपोर्ट है, इसी तरह इसका फोल्डिंग रिपोर्ट है, लेडर इंस्पेक्शन रिपोर्ट है, ये सब डेली चेक शीट है। हाउसकीपिंग रिपोर्ट है, गैस सिलेंडर चेक लिस्ट है, वर्कमैन कैंप इंस्पेक्शन, टूल बॉक्स स्टॉक फाइल ऑब्जर्वेशन लिस्ट। यदि टूल बॉक्स स्टॉक हमने कंटेक्ट किया, फाइल नहीं किया, इधर उधर फेंक दिया तो नहीं चलेगा। इसके लिए आप डेली चेक लिस्ट में डाल दें कि हाँ ये मैंने कंप्लीट कर लिया, हमने फाइल कर लिया। ऑब्जर्वेशन लिस्ट, जो ऑब्जर्वेशन निकल रहे हैं उसकी लिस्ट क्या आपने बनाई है, क्या फाइल की है। टूल्स एंड टैकल्स लिस्ट, ईएचएस मीटिंग, एचएससी ट्रेनिंग, सेफ्टी वायलेशन, मैन पावर रिपोर्ट, एसएमएस एंड ईमेल, ये हमारे सबसे पहले डेली की एक्टिविटी कैटेगराइज करेंगे। और किस किस को जाएगा उस सब का क्या क्या है कि नाम हम इसमें डालेंगे। ठीक है, देन ये आपको शायद विजिबल नहीं होगा, बहुत छोटा छोटा दिख रहा होगा। मैं थोड़ा सा इसको आपको एक्सेल फाइल शेयर करता हूं, उसमें अच्छे तरीके से दिखेगा। तो इस तरह से आप अपने ईएचएस का डॉक्यूमेंट को रेडी कर सकते हैं ट्रैकर, ताकि एक भी जो डॉक्यूमेंट है आपके हाथ से क्या है न छूटे और सारे डॉक्यूमेंट ईएचएस का अप टू डेट रहे। जैसा कि आपके सामने एक स्क्रीन खुलकर आई होगी, तो इस स्क्रीन में आप देख रहे होंगे कि सेम वही चीज है, इसमें डेली डेली चेक शीट है। ठीक है, तो
इसमें आप डेली चेकशीट बनाइए, अपना डेली की एक्टिविटी बना करके आप उसे ट्रैकर बना सकते हैं। देन सेम आता है यहाँ पे वीकली, सेम आप वीकली रिपोर्ट इसी तरह से रेडी कर सकते हैं कि कौन सा डॉक्यूमेंट कब मेंटेन होगा, किसको करना है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा करके आप भी अपने डॉक्यूमेंट को अप टू डेट रख सकते हैं। यहाँ पे भी देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है। एग्जाम्पल की मैंने अनुज और संदीप डाला है, इंश्योर कौन करेगा, इंश्योर मान लीजिए प्रभाकर करेगा, तो प्रभाकर चेक करेगा उसी दिन, वेरिफिकेशन करेगा वीकली, और वेरिफिकेशन करेगा कि ये क्या जो डॉक्यूमेंट जनरल इंस्पेक्शन रिपोर्ट जो पीवी पर्सन के लिए दिया गया है, क्या उन्होंने काम किया है, वो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं जाके चेक करूंगा। कब चेक करूंगा, हफ्ते में एक बार थर्सडे को जाके चेक करूंगा। ठीक है, उसी तरह ट्रेन चेन एग्जामिनेशन रिपोर्ट, डीजी इंस्पेक्शन रिपोर्ट, इक्विपमेंट इंस्पेक्शन रिपोर्ट, सेफ्टी बेल्ट इंस्पेक्शन रिपोर्ट, फर्स्ट एड इंस्पेक्शन रिपोर्ट, पावर टूल्स, इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्शन, ईएचएस रिव्यू, स्टॉप वर्क परमिट, स्टॉप वर्क रिपोर्ट। स्टॉप वर्क रिपोर्ट आपको मालूम होगा कि यदि कुछ नेचुरल डिजास्टर होता है, आंधी तूफान बारिश आ गया, तो कितने घंटे के लिए काम बंद हुआ, उसके भी आप रिपोर्ट रिकॉर्ड रख सकते हैं। वो कब रखना है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी यदि मान ली मेरे को दी गई, तो बाद में एक काम को गोविंद है, गोविंद नाम का आदमी है, वो चेक करेगा एज रिक्वायर्ड, जब उसको जरूरत पड़ेगी तब वो चेक कर लेगा। जनरल इंस्पेक्शन रिपोर्ट ईएचएस पर्सन, देन वीकली ईएचएस ऑडिट, ऑडिट एंड इंस्पेक्शन चेकलिस्ट, अर्थमोमिक इक्विपमेंट इंस्पेक्शन रिपोर्ट। इस तरह से अपने अपने एक्टिविटी का वीकली मंथली के रूप में कैटेगराइज कीजिए और उस तरफ से एक चेकलिस्ट लगाकर अपने ऑफिस में पेस्ट कर दीजिए और उसे बार बार ट्रैक करते रहिए कि कोई भी जो डॉक्यूमेंट है हमारा कहीं छूटा तो नहीं है, सारा चीज अप टू डेट तो है। देन आप फोर्टनाइटली हर 15 दिन पर क्या है, एमओएफ ईएचएस कमेटी मीटिंग रिपोर्ट, हर हर 15 दिन में ईएचएस कमेटी रिपोर्ट देनी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी यदि मेरी है तो मेरा नाम आ जाएगा यहाँ पे। इंश्योर कौन करेगा, यदि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट पीएमसी है वो इंश्योर करेंगे इस बात को। देन सेम वो चीज निकल करके आती है यहाँ पे भी, मंथली हमें क्या क्या एक्टिविटी हमारी है, वो मंथली एक्टिविटी को हम इसमें शामिल लिख देंगे पूरा, जो भी आप जैसे कि स्क्रीन पे देख रहे हैं मंथली एक्टिविटी पूरा लिख लेंगे। देन उसके बाद सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी इंश्योर्ड बाई, देन रिमार्क यदि कुछ है कंपाइल वो डाटा कंप्लीट नहीं है या किसी कारणवश से और कोई इश्यू है तो उसमें रिमार्क में आप लिख सकते हैं। तो आप अपने डॉक्यूमेंट का इस तरह से, आप अपने एक्टिविटी का एक सबसे पहले डॉक्यूमेंट बनाइए और उसे डेली देखते रहिए, उससे पेस्ट कर दीजिए केबिन में ताकि ये हमारा डॉक्यूमेंट आज के दिन में अपडेट हुआ कि नहीं है। डेली चेकलिस्ट बनाइए अपने लिए, वीकली चेकलिस्ट बनाइए, मंथली बनाइए, और बना करके वो क्या करना है हमें वापस से वहीं पे पेस्ट करना है ताकि जो हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो अप टू डेट रहे। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं इतना श्योर करता हूँ कि यदि आप इस तरह से ईएचएस ट्रैकर का एक चेकलिस्ट बना करके अपने ऑफिस में चपका देंगे, तो आई होप, मैं मुझे 100% विश्वास है कि एक भी जो एक्टिविटी है ईएचएस का, एक भी डॉक्यूमेंट है वो आपको बिल्कुल मिस नहीं होगा। आपको अपने प्रोमिनेंट एरिया पर लगाए, जहां आप बार बार देखते हैं, हम दरवाजे निकलते वक्त, आते वक्त, जाते वक्त आपको जो एरिया है दिखता रहता है, तो वहां पर आप अच्छे तरीके से ट्रैक कर सकते हैं। और वहां पर क्या होता है, इनके आपके नजरों से छूट गया, यदि मान लीजिए आज की डेट में 14 तारीख में हमें एक डॉक्यूमेंट ऑडिट करना था, वो हमने किया या नहीं किया हम उसमें लिख देंगे। यदि हम मान लो नहीं किया तो मैंने भूल गया, सपोज दैट यदि मान लो भूल गए, तो कोई दूसरा भी आदमी आएगा, प्रोजेक्ट मैनेजर साइट इंचार्ज आएगा, तो देखेगा, वो भी देखेगा, यदि कहीं कुछ लगा होता है तो वो जरूर पढ़ेगा कि क्या चीज है। तो पढ़ने के बाद में देखेगा, हाँ यार 14 तारीख 15 तारीख हो गया, तो पूछेगा सेफ्टी ऑफिसर से कि प्रभाकर क्या आपने जो 14 तारीख को प्लान किया वो हो गया क्या। तो सडनली यदि मेरे दिमाग से स्लिप कर गया होगा, सडनली मेरे दिमाग में आया कि हाँ यार ये तो करना चाहिए, भूल गया, तो कोई भी आदमी आपको अवेयर कर सकता है और अब क्या होगा, आप अप टू डेट रहेंगे। तो दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट है कि जब आप किसी प्लांट में, किसी प्रोजेक्ट में, कहीं भी काम कर रहे हैं एज ए सेफ्टी प्रोफेशनल, तो अपने लिए अपने खुद का एक चेकलिस्ट बनाए, जिसको ना, जिसके नाम उसका नाम ईएचएस ट्रैकर प्लान के नाम से जाने, और वो प्रोमिनेंट एरिया पे डिस्प्ले कर दे, ताकि कोई भी ईएचएस का डॉक्यूमेंट ऐसा ना हो कि हमारे हाथ से स्लिप कर जाए, वो अपडेट ना हो, पीछे चला जाए, यदि कोई मांगे तो बोले कि नहीं अपडेट नहीं है। इस तरह का एज ए सेफ्टी प्रोफेशनल में
एक्सपेक्ट किसी को नहीं करना चाहिए, हम अपना डॉक्यूमेंट अप टू डेट रखें, अपना काम हम अप टू डेट रखें, इसके लिए हम एक मंथली एचएस ट्रैकर प्लान बनाकर हर जगह डिस्प्ले कर देंगे और डॉक्यूमेंट को ट्रेस करते रहेंगे। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, जय सुरक्षा।